Alright guys, so welcome back to the channel and yeah, this channel is the first crypto video guys. So first of all, thank you very much to each and everyone. Almost 800 to 850 logon hai mere bolne par WazirX app ko download kiya. First of all guys, main aap logo ko ek baat bata dun ki main WazirX ka promotion nahi kar raha hu, okay? Ye sirf ek hi aisa platform hai jo itna zyada trusted hai. I mean agar aap log cryptocurrency ko lekar dekhoge to cryptocurrency ke andar sabse jo trusted platform hai that is Binance, and Binance ke baad agar aap log dekhte ho India mein to Indian market mein sabse acha user friendly interface jo hai wo WazirX ka hai. There are many other apps, coins, which are बहुत सारी चीजें हैं. So first of all, guys, मैं आप लोगों को बता दूँ ये सब चीजें start कर सकती. तो जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है. जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बता दूँ कि by profession I am not a TikToker, by profession I am not a YouTuber. Actually, by profession I am an accountant. ये बात मैंने आप लोगों को काफी साल पहले भी बताई थी जब मैं न्यूली यहाँ पर आया था. And काफी लोग इस बात को जानते ही हैं. तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग आप लोगों को बस ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए. ऑलमोस्ट हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, इन एंड आउट्स देखा, इसमें प्रॉफिट है नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें थी. अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ऑलमोस्ट 800 to 850 लोगों ने WazirX डाउनलोड किया. एंड मैंने उन लोगों को बोला भी है, मैक्सिमम लोगों का इसमें अभी तक के डिपॉजिट आना स्टार्ट नहीं हुआ है. कुछ लोगों ने जो स्टार्टिंग में कर लिया था उनका डिपॉजिट आ चुका है, उन लोगों ने ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दिया, उनको प्रॉफिट भी आने लग गया. मगर जिन लोगों का अभी तक के डिपॉजिट स्टार्ट नहीं हुआ है, उन लोगों ने बस केवाईसी करके रखा हुआ है. एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो अभी इश्यूज चल रहा है बैंक को लेकर, ये सिर्फ WazirX में नहीं चल रहा है, ये ओवरऑल सारे जितने भी कॉइन स्विच है, DCX है, WazirX है, सब में मतलब ओवरऑल इंडियन बैंक्स ने डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों के दोनों बंद रखा हुआ है. सो गाइज, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने अभी डॉज एक्चुअली डॉज है क्या. तो मैं गाइज आप लोगों को बता दूँ, आज से 4 महीना पहले इस कॉइन की एक्चुअल में कोई वैल्यू ही नहीं थी. वैल्यू इट वॉज समथिंग अराउंड 0.033 ऐसा करके कुछ इसकी वैल्यू थी. देन ऑल ऑफ अ सडन ये इतना ज़्यादा जो मीम पर मीम कॉइन आप लोग इसको बोल सकते हो, जो मीम कॉइन था, ऑल ऑफ अ सडन ये इतना ज़्यादा ग्रो इस वजह से हो गया बिकॉज एलॉन ने इसके बारे में जो ट्वीट किया, उसके बाद इसका मजाक उड़ने लगा, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको सीरियसली लेने लगा. सीरियस उन लोगों ने लिया जो लोग एलॉन मस्क को जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि ये बंदा क्या है, ये क्या कुछ कर सकता है, इसने क्या किया है, मतलब फ्रॉम अ स्क्रैच. तो इन लोगों ने इस चीज़ पे भरोसा किया, उसकी बातों को सीरियसली लिया, उसके एक एक वर्ड को सीरियसली लेकर आज उस कॉइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गई. मतलब आज आप लोग देख सकते हो गाइस, मतलब लोगों के पास, लोग पागल हो चुके हैं ऑलमोस्ट डॉज के लिए. एंड जो लोग अब ये देख रहे हैं और जो लोग ये कमेंट करने वाले, नहीं भाई डॉज की वैल्यू 56 थी, 57 थी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो आ गई 36, 37, 38, 39, 40, जो अभी फ्लक्चुएट कर रही है. ऑल ऑफ अ सडन 36 से 44, 45 के बीच में जो फ्लक्चुएट हो रहा है डेली बेस पे. तो गाइज मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे बड़ा रीजन इसका ये भी है कि हमारा इंडियन मार्केट कम्प्लीटली फिलहाल बंद है. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो अगर 10 मिलियन यूजर्स है, अगर 10 मिलियन यूजर्स अगर इंडियन मार्केट से पैसा लगा रहे, तो ऑन एन एवरेज एक बंदा 200 डॉज खरीदने की ताकत तो रखता ही है. तो अगर 10 मिलियन यूजर्स डॉज लगा, एंड जाहिर सी बात है गाइस, बंदा डॉज लेगा ही लेगा, इट्स एन ऑल्ट कॉइन, मगर बंदा डॉज इसके लिए लेगा बिकॉज आज की तारीख में वो नंबर 4 नंबर 5 पे चल रहा है. क्रिप्टो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी वो आ चुका है, नंबर 4 नंबर 5 पे चल ही रहा है, आप लोग देख सकते हो. इट्स ऑलमोस्ट मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे नहीं कि हवा में बोल रहा हूँ, आप लोग गूगल पे चेकआउट कर सकते हो. तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब ये कैसा हो गया कि यार मार्केट इतनी गिर गई. तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि जैसे कि इंडियन मार्केट में आप लोग देख सकते हो कि बैंक्स ने ऑलरेडी डिपॉजिट विड्रॉल्स बंद कर दिए, तो मैक्सिमम लोग इसमें पैसे नहीं लगा पा रहे. एंड पैसे नहीं लगाने की वजह से मेरे हिसाब से अगर मैं एक छोटा मोटा कैलकुलेशन भी करूँ कि पर पर्सन अगर एवरेज में 200-250 अगर डॉज कॉइन भी पकड़ूँ, तो इंडिया के अंदर कम से कम डेली बेस पर आप लोग देख सकते हो कि 10,000 करोड़ का मार्केट मतलब फंड्स रुक गया. तो इस वजह से भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है इस मार्केट पर, मगर फिर भी यार मतलब वो कहीं ना कहीं स्टेबल ही है, ऐसे तो नहीं कंप्लीटली चला गया. एंड देन इसके बाद बहुत सारी चीज़ें गाइस, मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये मैं आज कोई टिप्स नहीं देना है, कुछ ट्रिक्स नहीं देना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बताया कि जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, भाई नहीं मार्केट गिर रही है, ऐसा हो गया, मेरे को डर लग रहा है, मैं विड्रॉ कर लूँगा. तो विड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कॉइन्स को वैसे के वैसे रखो, कुछ दिन के बाद मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स विद इन वीक 2, और उससे भी ज़्यादा अगर लगा तो 1 महीना लगेगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है. और मैं जानता हूँ कि किसी के पास भी 2 लाख 5 लाख कॉइन तो होंगे नहीं, आपके पास 200 कॉइन है, 300 कॉइन है. एंड बहुत सारे लोग ये भी यार मैंने देखा कमेंट में जाके, क्या नाम था उसका, निश्चल शेट्टी जो कि WazirX से CEO है, उसको भी जाके गालियाँ दे रहे कि अरे मेरे को इतना लॉस हो गया वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ, क्रिप्टो या हमारा BSE NSE हो, कुछ भी हो, जाहिर सी बात है यार अगर हम लोग BSE NSE पे अगर एक भी स्टॉक भी लेते हैं ना, तो उस स्टॉक को अगर हमने 2,000 रुपये का स्टॉक लिया तो उसको 2,500 होने में भी ना 2-2 साल चला जाता है. जब हम लोग जाके 10 लाख रुपये बैंक के
अकाउंट में रखते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तब जाके हम लोगों को पूरा एक साल के 50,000 रुपये हम लोग को इंटरेस्ट आता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यही बोलने का मतलब, अब इसमें मत बोलोगे यार इंटरेस्ट पर अगर हम लोग पैसे रखते हैं बैंक में तो बैंक तो वैसी की वैसी रहती, बैंक भागती नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप लोग देख सकते हो कितनी सारी बैंक बंद हो चुकी है, PNB ले लो, बहुत सारी और भी बैंक है, सिटी बैंक देख लो, कितनी सारी बैंक की ऐसी हालत हो गई कि यार उन लोगों ने डिपॉजिट विड्रॉल बंद कर दिया, उनकी हालत ऐसी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं, रिस्क हर जगह पर है, मगर यहाँ पर अगर आप लोगों को हम लोगों से ट्रेड करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, अगर आप लोगों को मेरे साथ ट्रेड करना है एंड आप लोग मुझ पर 1% मतलब 0.0001% भी अगर ट्रस्ट करते हो, तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगा कि कोई भी बड़ा अमाउंट किसी को भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप लोगों की जेब में 10 रुपये हैं तो आप लोग 2.5 रुपया इन्वेस्ट करो, 2.5 रुपया एवरेज के लिए रखो। एवरेज का मतलब है कि अगर आपने किसी शेयर पे पैसा लगाया और वो शेयर गिर गया, ठीक है, तो गिरने के बाद तो जाहिर सी बात हम लोग उसको थोड़ा सा और खरीदेंगे, बिकॉज हमको पता है कि वो बढ़ेगा यार, एंड क्रिप्टो इज लाइक दैट ओनली। एंड मैं आज आप लोगों को जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि जब कोई शेयर गिरता है तो वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है कितना नहीं कर रहा, तो बहुत जाहिर सी बात आज आप लोगों के मोबाइल में जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ऑलरेडी WazirX डाउनलोड किया, KYC कंप्लीट किया, आप लोगों के सामने ऑलरेडी पूरा कि पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है, उसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि मार्केट कितनी गिरती है, फिर अब कितनी देर में होती है, कैसी चल रही कैसी नहीं चल रही। मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ क्रिप्टो का मार्केट इज कम्प्लीटली यू कैन से 1% भी नहीं है यार। हम लोग ये 135 करोड़ की आबादी में अगर 10 मिलियन लोग आज इस मार्केट में है तो इट्स ऑलमोस्ट नथिंग। एंड मैं आप लोगों को बस ये बोलूँगा, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट विद क्रिप्टो, सो इतना ही करो यार। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाकर 10 लाख 50 लाख या ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, 1,000 रुपये से स्टार्ट करो, 2,000 रुपये से स्टार्ट करो, 5,000 रुपये से स्टार्ट करो। जिन लोग जो लोग बिनोमो पे ऑलरेडी अच्छा खासा कमा रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया कि भाई हम लोग बिनोमो पे भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे भी आना है, तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अगर आप लोग अभी बिनोमो पे हो तो बिनोमो पे ही रहो, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यार दोनों जंबल हो जाओ, फिर यहाँ पे भी पैसे लग गए वहाँ पे भी पैसे लग गए, बिकॉज ऐसा होता है हम लोग जब एक जगह पे पैसे लगाते हैं ना, पैसे लगाने का हमारे साथ भी होता है गाइस, मैंने कहीं पे 10 रुपये लगा तो वो 8 रुपये हो जाता है कभी कभी। और इसमें क्या होता है, हम खासकर हमारी इंडियन मेंटालिटी, एक्चुअली ये इंडियन मेंटालिटी भी नहीं, ह्यूमन नेचर है कि जब हम 2 रुपये लॉस में जाते हैं हम सोचते हैं यार और हो सकता है लॉस, तो चलो इसको बेच देते हैं, मगर हम लोग जिस दिन हमारे माइंड सेट ये कर लेंगे ना कि यार 10 रुपये मैंने लगाया और चल ये मेरे 10 रुपये मेरे वेस्ट है, मतलब ये मैंने खो दिए, अगर आप जिस दिन इस मेंटालिटी के साथ बैठोगे ना, आप सोच लोगे यार 10 रुपये मेरे चले गए, बिलीव मी गाइस, चाहे वो 8 हो 6 हो 4 हो, मगर वो एक ना एक दिन 12 14 15 18 20 जरूर होगा, एक ना एक दिन, मतलब यार नहीं बोलो 10 साल बैठो 5 साल बैठो, ऐसा नहीं है, आप कम से कम 1 वीक 2 वीक तो रुको। मैंने कितने लोगों को देखा डॉज कॉइन खरीद के, आज उन्होंने 50 में खरीदा 48 वो डर के मारे बेच दिया, तो उसमें तुम्हारी गलती है भाई, तुमने बेच दिया, थोड़ा सा वेट करो। सो गाइस इसके लिए मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मगर फिर भी मैंने ये वीडियो इसके लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा गुफअप चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, शिप कॉइन आ गया, ये कॉइन आ गया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिप कॉइन अगर आ भी गया तो शिप कॉइन को भी बढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, उसको स्टेबलाइज होने में बहुत, और इतना ही अगर तुम लोग है शिप कॉइन इतना डर है तुम लोग, 1,000 रुपये खरीद के रख लो, 1,000 रुपये में कितना आ रहा है, 1 लाख के 3 लाख कॉइन कुछ आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 लाख के 3 लाख कॉइन्स आ रहे हैं, 1,000 रुपये खरीद के रख लो, अगर तुमको इतना भी डर लग रहा है तो यार, वैसे भी अगर तुम लोग जाते हो कहीं भी तो जाहिर सी बात इतना खर्चा हो ही जाता है, तो लाइफ में जब तक रिस्क नहीं लोगे आगे नहीं बढ़ोगे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10,000 डाल के बैठो, 20,000 डाल के बैठो, 50,000 डाल के बैठो, अभी मैं मेरे क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, इट कंटेन्स फाइनेंशियल रिस्क, जो मार्केट है जाहिर सी बात है कि इसमें रिस्क है, मगर 1,000 रुपये 2,000 रुपये डालने से तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, एंड जाहिर सी बात है अगर कल को कमा कर निकलोगे तो मुझको नहीं देने वाले हो, जाहिर सी बात अपने लिए रखोगे, अपनी फैमिली के लिए रखोगे, तो सो मैं इतना ही बोलूँगा कि गिव योर सेल्फ अ ट्राई एंड मेक श्योर कि इस मार्केट को पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो, अभी डिपॉजिट नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है कि डिपॉजिट्स नहीं हो रहा, तो इस मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। मैं आप लोगों को कुछ कॉइन्स के नाम मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, जैसे कि एथेरियम क्लासिक हो गया, एथेरियम हो गया, मेटिक हो गया, हमारा डोज कॉइन और भी कुछ है, मगर ये फिलहाल 4 मैं आप लोगों को बोलूँगा। अगर 1-2 दिन का टाइम निकालो, पहले इन कॉइन्स को देखो कि इनका फ्लक्चुएशन क्या है क्या नहीं है, आज से 7 दिन पहले एथेरियम क्लासिक था 2,717 रुपये का, जाकर ग्राफ चेक कर सकते हो, आज से 7 दिन 10 दिन पहले 2,717 रुपये का था, ये 10 दिन के अंदर उसकी वैल्यू 8,850 रुपये हो गई, जबकि वो हाईएस्ट गया था 13,800 तक, मगर फिर भी वो नीचे आ गया थोड़ा सा, चलता है यार, जिसने 2,700 में खरीदा था आज उसके लिए 8,500 भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि मेरे ऐसा बंदा है 13,400 में भी खरीद के बैठा है, तो उसके लिए थोड़ा सा जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा लगेगा यार ये होगा, मगर ठीक है, आई ट्रस्ट, मुझे पता है कि आज नहीं कल कल नहीं परसों 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो बढ़ जाएगा। मैं अभी भी तुम लोगों को बोल रहा हूँ 13,800 का हाईएस्ट गया था, मैंने 13,400 में 2 इथेरियम खरीदे, ठीक है, आई एम स्टिल ओके, मुझे पता है कि आज तो कल चढ़ जाएगा, और वो आप लोग खुद देखना, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोग मेरे को खुद नेक्स्ट मंथ बताना कि भाई इथेरियम क्लासिक आपने इतना इतना बताया था बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। तो मार्केट में 4 जो कॉइन्स हैं इनको फिलहाल फोकस करो, कुछ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा फॉर श्योर मैं मार्केट एनालाइज करके आप लोगों को तुरंत बता दूंगा, बिकॉज हम लोग 24/7 मैं मेरी पूरी टीम हम लोग यहाँ पे बैठ के गाइस
मार्केट एनालाइज कर रहा है ओके एंड मैं आप लोगों को चीज बता दूं, इससे पहले कि कोई इस चीज को लेकर कोई रोस्ट वीडियो या टोस्ट वीडियो बनाए तो मैं आप लोगों को गाइस एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर कोई भी टेक्निकल चीजों को लेकर बात नहीं करने वाला हूं ठीक है। अगर आप लोगों को टेक्निकल वीडियोस देखनी है आई मीन व्हाट इज ब्लॉकचेन हाउ इज व्हाट इज माइनिंग दिस दैट ये क्या है सेंट्रलाइजेशन क्या है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ये क्या होता है वो कैसे क्या होता है कितने टाइम में कितना कॉइन जनरेट होता है कैसा होता है कैसा नहीं होता है क्या क्या चीज है इसकी चेन कैसी बनती है तो ओवरऑल इसको लेकर तन्मय भट्ट ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है ओके इथेरियम करके या आई बॉट इथेरियम है बट आई डोंट नो इसको इसने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऑलरेडी आप लोगों यहां पे दिख रहा होगा। तो अगर आप लोगों को इतना ज्यादा टेक्निकली ही जाना है तो यू गाइस कैन गो रिफर हिम उसने बहुत एक अच्छी वीडियो बनाई है एंड सीरियसली उसने टेक्निकल चीजों को कंप्लीटली कवर अप किया है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी क्या है आप लोगों को उसकी वीडियो से जरूर समझ में आएगा वो क्रिएट कैसे होता है। इट्स अ डिजिटल करेंसी ओके जो कि काफी सालों से अब चल रही है। एक टाइम था बिटकॉइन में आप लोगों को बताया 23,000-26,000 का चल रहा था यार लोगों ने उस टाइम पे भरोसा नहीं किया नहीं लिया ठीक है आज नहीं लिया आज पछता रहे आज उसकी वैल्यू अभी आप लोग कल देख लो यौन फाइनेंस एक दिन के अंदर 20 लाख रुपया बढ़ गया गाइस 20 लाख रुपया आज के तारीख में मेरे हिसाब से सबसे महंगी कॉइन है। एंड देन जैसे कि आप लोग देख सकते हो बिटकॉइन आज सेकंड नंबर पे आ गया। तो होता है यार ये सब चीज़ें चलती रहती है एंड ये सब चीज़ों में पैसे हम लोग लगा ही नहीं सकते। मैं आप लोग एक बात बता दूँ अगर आप लोगों को कोई बोल रहा है कि भाई अपने को बिटकॉइन खरीदना चाहिए वो तो मैं तो बोलूँगा इट्स कम्प्लीटली चूतियापा ये सब चूतियापा करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर तुम बिटकॉइन खरीदने भी जाओगे 0.00001-2% भी 4,500 का भी खरीदोगे 45,000 का भी खरीदोगे कोई मतलब है इवन 4,500 का भी खरीदोगे कोई मतलब नहीं है। दो दिन के बाद अगर उसकी वैल्यू 50 लाख रुपया हो गई तो तुम्हारा वैसे भी कोई फायदा नहीं हुआ वो 5 लाख रुपए बढ़ गया तुम्हें तो 5 लाख रुपए लगाए थे। मैं मानता हूँ तुम्हारा 5 लाख की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी तुम्हारे 4,500 रुपए का जो बिटकॉइन है वो हो सकता है तुम्हारा 5.5 लाख रुपए का हो जाए या 5.5 लाख का तो होगा ही नहीं बट ऑब्वियस 1 लाख रुपए तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि उसका अगर परसेंटेज मैं कैलकुलेट भी करूँ तो वो मुश्किल से आपका 50,000 रुपये बढ़ेगा तो वो फिर ऐसा होगा कि वो कॉइन बढ़ता जा रहा है आप उसको पीछे चेस करते जा रहे हो तो वो कभी मतलब नहीं है। तो उससे अच्छा अगर आपके पास सच में बड़ी फंडिंग है आपको बड़ा अमाउंट लगाना जैसे कि 20,000-25,000 तो उस पर मैं आप वीडियोस बनाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको लगाना चाहिए जैसे कि इथेरियम हो गया इथेरियम क्लासिक हो गया तो ऐसे छोटे मोटे कॉइन्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। अगर बहुत सारी चीज़ें और मैं आप लोग बताऊंगा बिटटॉरेंट के बारे में विंक के बारे में शिप के बारे में तो ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोगों का डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैंने ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों ने अपना KYC कंप्लीट किया परेशान है डिपॉजिट को लेकर जो लोग परेशान है मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर मेरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है कान में बस हेडफोन लगा के सुन लेना आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। एंड इफ यू गाइस ट्रस्ट मी थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रस्ट करके ऑलमोस्ट जो 850 लोगों ने डाउनलोड किया थैंक यू वेरी मच टू यू गाइज एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों का पैसा ना डूबे। आई विल मेक श्योर कि आप लोगों ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया या करोगे उसका हम लोग एटलीस्ट 5%-10% प्रॉफिट डेली बेस पे भी निकाल सके। विल मेक श्योर कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे ऐसी कुछ चीज़ें लाएंगे ऐसे कुछ कॉइन्स आप लोगों को बताएंगे उतना रिसर्च करेंगे हम लोग करेंगे आप लोग एज अ टीम अगर हम लोग वर्क करेंगे ना गाइज बिलीव मी वी गाइज आर गोइंग टू रॉक ऑन इट बिकॉज मार्केट में ये बहुत न्यू है एंड इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट आई प्रेडिक्ट कि नई भी तो भी है 100 मिलियन प्लस यूजर्स तक जाएगा एंड जब इतना फंडिंग लगेगा सो बिलीव मी जिन लोगों ने स्टार्टिंग से लगाकर बैठे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा एंड बेनिफिट भी होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई बग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो टाटा बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल फॉर एवर एंड इस वीडियो में दानिश का इंट्रो आउट्रो नहीं होगा सो ये बिकॉज एक सेपरेट चैनल है इट्स फॉर बिटकॉइन एंड आगे हम लोग बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन जो भी जितने भी कॉइन्स हैं उन लोगों क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। सो आगे फ्यूचर में हम लोग जो भी वीडियोस बनाएंगे गाइस वो गेम प्ले के साथ होगा जैसे कि आप लोगों को पता है पबजी बैटल ग्राउंड वापस आ चुका है मतलब आने वाला है ये जब भी जैसे भी लॉन्च होगा तो हम लोग हमारी स्ट्रीमिंग के साथ या ऐसी बात करके यू नेवर नो क्या होगा क्या नहीं होगा जो भी होगा जैसे भी होगा अच्छा ही होगा। सो कीप पेशेंस बिकॉज पेशेंस इज नेसेसरी अगर आप लोगों को क्रिप्टो में रहना है तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है गाइज ऐसा नहीं कि 1 रुपए की ग्राफ फटाफट बेच दो लॉस में हम लोगों को कभी नहीं बेचना है ओके सो बाय बाय दैट्स इट।